हम इस हिंदुस्तान के इस फैसले की, आवाम के फैसले की इज्जत करते हैं। इस इंतखाबात में तीन जो इंतखाबी नतीजे आए वो यकीनन उस बात को दोहराते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम ने, अगर अंग्रेजी की इस्तलाह में कहूं, हिंदुस्तान की आवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया और इलीटिस को नाकाम किया। मेरी नजर में ऐसे तीन पार्लियामानी हलके हैं जो जिसमें अमेठी शामिल है, गुना शामिल है और औरंगाबाद। यहां की आवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया, ये हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत है सर। तीसरी बात सर, के सदर जमहूरिया के खुतबे में बहुत सी बातें कही गई, हुकूमत के इरादों का, हुकूमत के प्लान का इजहार किया गया उसमें। उसमें सर एक बात सदर जमहूरिया ने यह कही कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म इसमें नजर आती है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नतीजे आए, मैं इसकी इज्जत करता हूं, आवाम ने दिया, मगर क्या ये इस ऐवान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म की अकासी करता है? आदाद और शुमार ये बताते हैं सर कि इस ऐवान में 29% अपर कास्ट के लोग मुंतखब होकर आए और ओबीसी के 22%। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, किसी को कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि क्या ये ऐवान हिंदुस्तान के उस अजीम प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की अकासी करता है। मेरी नाकिस राय में वो नहीं करता है, इसलिए कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अपर कास्ट के लोग 29% लोग कामयाब होते हैं और ओबीसी के 22%, ये हुकूमत के उस बात को यानी नेगेटिव साबित करता है। दूसरी बात सर कि यकीनन इस इलेक्शन में जितना हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पास हुआ है उसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सीएसडीएस लोकनीति का डेटा है सर कि पिछली बार से अब की बार 37% से 44% हिंदू वोट बीजेपी को मिला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू अखबार में लोकनीति सीएसडीएस की रिपोर्ट है। हमारे मुल्क में रिलीजियस डिवाइड है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए ने 51% हिंदू वोट लिया है। तो सर अगर आप देखेंगे 80% का 51% अगर आप देखेंगे तो आपको 60% हिंदू वोट मिला है। और दूसरी बात सर, यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को, उनकी जिंदगी में, उनकी पार्टी की तारीख में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला जितना इतनी बार मिला है, बिल्कुल मिला है। अब इन दोनों को सामने रखकर आप देखिए कि मेरा हाल तो फंस गई रजिया गुंडों में है। मैं बी टीम और मैं सी टीम हूं, जिस किसी को सूट करता तो मैं उधर बी टीम, इनको सूट करता तो मैं इनका बी टीम। मगर ये जो डेटा आया है इससे साफ जाहिर हो गया है कि हमारे वतन अजीज में, ये बड़ी अफसोसनाक और बदबख्ती की बात है कि रिलीजियस डिवाइड है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इस हमारे इस ऐवान में मुसलमान जो कामयाब होकर आए हैं वो 25.4% और बीजेपी के पास 300 से ज्यादा अराकीन पार्लियामान है, वो इस बात का इकरार नहीं कर सकते कि इनके पास एक भी मुसलमान नहीं जीत कर आया। मगर इसके बावजूद भी आपको ट्रिपल तलाक, मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी है, मगर हमदर्दी तो कामयाबी में दिखनी चाहिए थी सर। चौथी बात सर, सदर जमहूरिया ने निकाह हलाला की बात की। मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपके पास कौन ऐसे नाकिस जाहिल लोग बैठकर ये खुतबा तैयार करते हैं। इस्लाम में निकाह हलाला कोई नाम की चीज नहीं, सिर्फ निकाह है। और उन काबिल लोगों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब निकाह टूटता नहीं है तो हलाला कैसे होगा? तो कम से कम जरा अगर मजाक भी करना है जरा अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि अब गलती तो इतनी होती है, इतने गलतियां होती हैं, मगर अगर आप सिर्फ हसद की बुनियाद पर, बुग्ज की बुनियाद पर, तंग नजरी की बुनियाद पर ये बातें करेंगे तो मजाक आपका उड़ रहा है। सर बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बात कही कि सदर जमहूरिया ने कहा कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बनाएंगे। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रांग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। हम भी चाहते हैं, मुबारकबाद हो आपको, मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर एक महीने में या दो महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा,
गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कि आप 14% आवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार मार कर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप। चौथी बात, मैं पांचवी बात सर, ये कामयाबी आपको मिली, मैं आपको मुबारकबाद देता अगर आपकी कामयाबी इंडियन नेशनलिज्म पर होती, वो नहीं हुई, क्योंकि डेटा बता रहा है कि आपकी कामयाबी हिंदू नेशनलिज्म को आपने जो फरोग दिया उसका आपको फायदा मिला। मैं नहीं मानता, मैं मुझे नहीं मालूम कि ईवीएम टैंपर हुए नहीं हुए, मगर मैं ये जरूर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2014 से 19, अब 19 से 24 तक अक्सरियती तबके की मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के माइंड की आप टैंपर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को अगर आप फरोग देंगे तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, और मॉब लिंचिंग खत्म करने के लिए इंडियन नेशनलिज्म को मानना पड़ेगा, मगर आप अपनी आइडियोलॉजी से इतना बंधे हुए हैं कि आप उसको तोड़कर निकल ही नहीं सकते। सर, बात हुई सर यहां पर सिक्योरिटी की, प्राइम मिनिस्टर ने, आप प्रेसिडेंट ने सिक्योरिटी के बारे में कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में 2005 के बाद अब तक 73 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है, 88 लोकल्स भी मारे गए हैं। सर, अब तो आतंकवादी इतना शार्प शूटर मारे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेजर की मौत हुई, अब वो लोग डायरेक्ट सर पर मार रहे हैं, इतने शार्प शूटर हो चुके हैं वो। सर, आप बताइए कि पुलवामा में ब्लास्ट हुआ, कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कितने रॉ के ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया? ये हम भी तो देखें ना सर कि हमारे गिरेबान में अगर कमजोरी है तो कैसे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 150 या 150 किलो ऑडियंस कैसे गया वहां पर? देश जानना चाहता है कि पुलवामा में कितने आईबी के ऑफिसरों को आपने सस्पेंड किया, आप नहीं बता सकते। सर, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में ये जितने कश्मीर के एमपी जीत कर आए, कितने वोट किए सर वो? 9,000, 6,000, ये तो हमारे म्यूनिसिपल इलेक्शन में हो जाता है। त्राल में एक जगह पर आपने लीड किया असेंबली कौन, कितने वोट किए? 400 वोट बीजेपी ने लिए। ये आपकी कामयाबी है जमहूरियत की। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप यकीनन, मुझे मालूम क्या परस्तुए जमा है। सर, मैं खत्म कर रहा हूं, सर मैं खत्म कर रहा हूं। अमेरिका के पास आ जाइए सर, आप अमेरिका के पास आ जाइए सर। हमारे वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गले मिले, ऐसा लग रहा था कि ईद और बकरीद दोनों के गले मिल रहे हैं, बड़े बगलगीर हुए, मगर ट्रंप ने हमको क्या दिया? ट्रंप ने कह दिया कि S-400 मिसाइल नहीं ले सकते रशिया से, ट्रंप कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी चीन से नहीं ले सकते, ट्रंप कह रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, ट्रंप कह रहा है कि आप डेटा नहीं रख सकते, ट्रंप कह रहा है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आप फ्री में लेकर आइए। सर, मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है, ट्रंप से क्यों डर रहे हैं आप? अरे लात मारिए ट्रंप को, हम ईरान से ऑयल खरीदिए, 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान के वाम पर आए द्वारा आप ऑयल नहीं खरीदे ईरान से, सबसे सस्ता ऑयल ईरान से मिलता है। इस देश को जरूरत है रशिया के S-400 मिसाइल की, अतराफ के पड़ोसियों से खतरा है, कौन अमेरिका हमको बताएगा कि? सर, मैं खत्म कर रहा हूं, सर। और अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, पोम्पे आ रहे हैं, आप उससे इनकार करिए। मैं भी मानता हूं कि अमेरिका को कोई अख्तियार नहीं है हमारे दाखिली मामला में मदाखलत करने का, मगर आपकी रिपोर्ट है ना, वो हवाख्यात की लिख रहे हैं, क्या आप उसको बोलेंगे? सर, पैराग्राफ 101-112 पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडिया लिखा गया, मैं भी उस न्यू इंडिया को चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं, मगर अगर आप इस तरह से माहौल पैदा करते जाएंगे, और सर आपके पास 308 है, यहां पर अपोजिशन बहुत कम है, मगर सर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं इसमें कोई भी गुटसे का चाहने वाला नहीं है, इसमें कोई भी हेमंत करकरे को मुर्दाबाद कहने वाला नहीं है, ये एजाज, ये ऑनर आपको जाता है, और 5 साल तक ये दाग आपको उठाना पड़ेगा कि आपके पास अक्सरियत है मगर गुटसे को चाहने वाले आपके पास बैठे हैं, यहां पर नहीं बैठे। सर आखिर में इकॉनमी के बारे में, GDP हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं 4.5, सच कौन बोल रहा है सर? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 6%, मुबारक हो आपको, आप जीत गए इलेक्शन,
किस बुनियाद पर जीते वो तो देश जानता है, हम भी जानते हैं, मगर 6% तो इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि हर एतबार से आज आपके सामने एक चैलेंज है, मौका है। आप अच्छे काम करेंगे हम भी साथ देंगे, मगर आप अच्छा काम आइडियोलॉजी की बुनियाद पर करना चाहते हैं। मैं आखिर में ये उम्मीद करता हूं कि ये हुकूमत इंडियन नेशनलिज्म पर चलेगी, संविधान पर चलेगी। आपकी आइडियोलॉजी इस मुल्क को कमजोर करेगी, आपकी आइडियोलॉजी और मॉब लिंचिंग में इजाफा करेगी। शुक्रिया सर।